दोस्तों, अगर आपका कभी गीजर बिगड़ जाए घबराइए नहीं। बिगड़ता क्या इसमें, मैक्सिमम इसका जो है जो क्वाइल होती है वो खराब हो जाती है, या कभी कभी जो है इसका पाइप जो है ब्लॉक होता है, हो जाता है। किसी में इनलेट आउट इनलेट जो है पाइप ब्लॉक होती है, कभी आउटलेट पाइप ब्लॉक होती है। उसका रीजन क्या है कि देख सकते हैं, इधर दिखाइए बेटा, ये सल्फेशन निकाला हुआ मैंने ना, ये सल्फेशन आ जाता है अंदर। ये देखिए, मैंने चार इसके नट खोले, यहाँ पे छह नट खोलने हैं, ये छह नट खोल के पूरा निकाल लेना बाहर। अगर आपका ये खराब होता है एलिमेंट, थोड़ा नजदीक दिखाओ बेटा, इधर आओ, नजदीक आओ, इधर दिखाओ। अगर कभी आपका ये खराब हो जाए, एलिमेंट खराब हो जाए, तो दोस्तों ये तीन नट है, तीनों नट खोलिए और खोल करके बाहर निकाल लीजिए, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये बाहर आएगा, दूसरा डाल करके उसके बाद उसमें इंसर्ट करिए। लेकिन इसमें जो भी आपका ये खराब होता है एलिमेंट, उसी एलिमेंट को निकाल करके मार्केट में लेके जाइएगा। पहले गलती मत करिएगा कि आप पहले एलिमेंट ले आए उसके बाद, क्योंकि फिर इसमें देखिए होल होता है, ये होल देखिए, ये होल में जाना चाहिए आपका एलिमेंट। तो जितना बड़ा होल होगा वैसे हिसाब से एलिमेंट लेना, बाकी एलिमेंट का आपका चाहे 1000 वाट का, 2000 वाट का, जो भी आपका लगा हुआ अलग चीज है। ये देखिए, ये पाइप होती इनलेट, अभी इसमें ये पाइप ब्लॉक हुई थी मेरी, तो इसमें मैंने क्या किया, सीधे सिंपल शब्दों में यहां से मैंने हार्पिक डाला और इधर से मैंने हार्पिक डाला, हार्पिक डाल करके थोड़ा सा पानी मिला करके और छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में ये बिल्कुल ब्लॉक खुल गया, देखिए ये बिल्कुल खुल गया। और कभी कभी क्या होता है कि आउटलेट ब्लॉक, ये जो आउटलेट पाइप है यहाँ पे एक कवर लगा होता है जिसकी वजह से ब्लॉक हो जाता है। तो आप इसको खोल करके, इसमें भी आप सीधी बात है खोल लीजिए, खोलने के बाद में हार्पिक डाल दीजिए, हार्पिक डालने के बाद में। दोस्तों, अगर आउटलेट पाइप कभी खराब हो जाए तो यहाँ पे एक देखिए ये लगता है, ऊपर से एक कवर लगता है, उसके बीच में जो सल्फेशन आ जाता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ऊपर से हार्पिक डाल देना थोड़ा सा, और हार्पिक के बाद में जो है मतलब ये पाइप ब्लॉक खुल जाएगा। फिर आप इसको साफ करके और आप ये देखिए ऐसे करके इसको लगा सकते हैं। दोस्तों, बहुत आसानी से लगाना है। इसमें ध्यान देना है कि आपका जो होल था, ये होल सही सही ढंग से बैठा होना चाहिए, बस इतना ही है। दोस्तों, आप साफ कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।